पिछले कुछ हफ्तों से चल रहे तेजी के दौर के बाद शेयर मार्केट आज धड़ाम से गिरा। बाजार की शुरुआत ही लाल निशान में हुई और दिन खत्म होने तक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही करीब 1% टूट गए। निफ्टी इंट्राडे में 1.5% टूटा, जो कि 20 मार्च के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे की गिरावट है। ये बेंचमार्क इंडेक्स 207 पॉइंट्स गिरकर 19,526 के करीब ही बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी करीब 676 पॉइंट्स की गिरावट आई और ये 65,782 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी का भी हाल बुरा ही रहा और ये इंट्राडे में करीब 2% फिसला। हालांकि क्लोजिंग 0.25% की गिरावट के साथ 45,000 के करीब हुई। बाजार को नीचे खींचने वाले शेयरों में HDFC बैंक, रिलायंस और ICICI बैंक बड़े नाम रहे। PNC बैंक और मेटल सेक्टर में भी जोरदार बिकवाली देखने को मिली। दरअसल सुबह जैसे ही ये खबर आई कि फिच ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया है, ये तय हो गया कि बाजार आज गिरावट के साथ खुलेंगे। अन्य ग्लोबल बाजारों का हाल भी खस्ता ही रहा। चीन, जापान से लेकर कोरिया तक के बाजारों में बड़ी गिरावट देखने को मिली।